इसका पक्षधर हूं कि कानून कोई अपने हाथ में ना ले, कानून अपना काम करे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कानून के रखवाले से लेकर के समाज से लेकर के जो लोग आज पद्मावत के ऊपर चैनलों में दिखा रहे हैं कि मैंने देखा कुछ नहीं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, इसी राजस्थान में जब पिक्चर की शूटिंग हो रही थी तो संजय भंसाली ने क्यों नहीं ऐसे चीजों को बंद कर दिया जब समाज नहीं एक्सेप्ट कर रहा। दूसरा प्रश्न, क्या आज गांधी जी पर फिल्म बने और गांधी जी पर फिल्म बनने के बाद गांधी जी को दिखा दे उस चरित्र में जो मुझे कबूल नहीं, कथक नृत्य और भांगड़ा में, तो मैं तो उसको कभी माफ नहीं करूंगा। तो दोनों चरित्र को आप समान समझते हैं, गांधी और पद्मावती? देखिए, गांधी की चरित्र अपनी चरित्र थी और पद्मावती की चरित्र अपनी चरित्र है। पद्मावती एक वीरांगना थी, पद्मावती भारत के इतिहास में वीरांगना की भूमिका निभाई है, लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। मुझे तो दुख है करनी सेना से कि करनी सेना ने इसे करनी सेना तक सीमित रखा। पद्मावती राष्ट्र की अस्मिता थी, क्या जरूरत था कि पद्मावती घूमर और धूमर करती थी? ये चरित्र दिखाने की हिम्मत है किसी को कि जरा मोहम्मद साहब के ऊपर कोई फिल्म बना के उनका चरित्र दिखाए? मैं किसी को नहीं कहता कि कानून अपने हाथ में ले, लेकिन हिंदू के देवी देवता, हिंदू के इतिहास पुरुष, उनके ऊपर ऐसे टीका टिप्पणी अब लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं।